नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काई में। आलू दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाए जाने वाला खाद्य पदार्थों में से एक है। आलू के सेवन से पोषण संबंधी कई जरूरतें पूरी होती हैं। आलू कई पोषक तत्वों से भरे होते हैं। आलू में पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, विटामिन B6 और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आलू के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी, लेकिन यह इसके खाने के तरीके पर भी निर्भर करता है। जाहिर है, अगर आप आलू को चिप्स या फ्राई के रूप में खाएंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक ही होगा। यह कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है, इसलिए वजन बढ़ाने का भी काम करता है। खैर, अगर आप आलू से ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो आपको इसे भून कर खाना चाहिए। आलू को भून कर खाने से इसका स्वाद तो बढ़ता ही है, स्वास्थ्य फायदे भी बढ़ जाते हैं। चलिए जानते हैं आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं आलू को भून कर खाने से। सूजन को कम करता है। भुने हुए आलू में कोलिन पाया जाता है, जो एक आवश्यक पोषक तत्व है। शोध से पता चलता है कि कोलिन की कमी कम से आंशिक रूप से संधिशोध और फाइब्रो माइल्डिया जैसी सूजन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। आलू को भूनकर खाना सूजन को कम करता है। पाचन रहता है दुरुस्त। भुने हुए आलू में फाइबर अधिक होता है, जो पाचन में मदद करता है। फाइबर दस्त और कब्ज दोनों में मदद करता है। पेट और आंत से जुड़े रोगों से परेशान लोगों को भुने हुए आलू का सेवन करना चाहिए। वजन कंट्रोल करने में सहायक। भुने हुए आलू में मौजूद फाइबर और विटामिन B6 के साथ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है और चयापचय में सुधार करता है। दिल को स्वस्थ रखने में सहायक। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है। भुने हुए आलू स्वाभाविक रूप से कम वसा वाले और कम कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन होते हैं। आलू पोटेशियम का बेहतर स्रोत है। कुछ शोध बताते हैं कि इसके सेवन से हृदय रोग के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, मेरे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।